हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और चीज़ लेकर आई हूँ। ग्रैनी स्क्वायर जब आप बना लेते हो तो फिर उसे आप जोड़ोगे कैसे, ये मैं आपके लिए लेकर आई। देखिए जोड़ने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, बहुत सुंदर और आसान सा तरीका, जो आपको आसान भी लगे और जो दिखने में भी ब्यूटीफुल लगे, देखेंगे आप और पता ना चले कि आपने जोड़ा है। देख रहे हैं आप, देखिए मैंने जोड़ा है, कहीं से भी पता नहीं चल रहा है अगर आप ऐसे देखेंगे तो कहाँ पे जोड़ा है, और बहुत सुंदर सी लाइन इस तरीके से बीच में आ रही है उसी कलर से। अब ये आप कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए वैसे बहुत सारे तरीके आप जोड़ सकते हैं, बहुत सुई से भी जोड़ सकते हैं आप, बहुत आसानी से भी यूँ आप क्रोशेट से जोड़ सकते हैं। एक और तरीका मैंने ऑलरेडी बताया पहले, बट आज मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए ये बने हुए हैं, अब देखिए आपको मैं दूसरे कलर से जो है दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप ऐसे बंद करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दे दूँ, देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया है, ये पहला स्क्वायर था मेरा, दिस इज़ फर्स्ट स्क्वायर, यहाँ से मैंने ऐसे शुरू किया, फिर मैंने ऐसे बनाया एंड देन दूसरा वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर लगाया और फिर वापस ऐसे गई, उसके बाद यहाँ से ऐसे लिया और वापस यहाँ लिया, यानी कि इस वाले स्क्वायर के मैंने तीन हिस्से लिए, फिर नेक्स्ट स्क्वायर लिया ये वाला और फिर ऐसे लिया, फिर ये गई और फिर ऐसे लिया और फिर जो है मैंने यहां से पूरा यहां तक लिया, ये देख रहे हैं आप, फिर ये वाला स्क्वायर जोड़ा, इसके यहां से गई ऐसे गई और फिर ये वाला स्क्वायर जोड़ा, ये लिया ऐसे लिया ऐसे लिया, फिर अब ये स्क्वायर जोड़ा और यहां लिया ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो फिर यहां पे देखेंगे अब ये लिया ऐसे गई ऐसे लिया और फिर देन अगेन हमने पूरा जो है ये ऐसे लिया। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, फिर आपको यहाँ पे बताऊँगी आपने स्क्वायर कैसे, एक दो तीन उसके बाद पूरे आए, फिर चार पाँच छः ऐसे जाता है, फिर पूरे आए, फिर सात आठ नौ ऐसे लगेगा, यानी कि लगेगा हमेशा यहीं से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दूसरे उससे थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली जो है पता चले किस तरीके से करना है। अब ये है स्क्वायर, देखेंगे ये मैंने दूसरा धागा लिया है जिस जो अलग कलर से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पहले आप एक लूप बना लीजिए इस तरीके से, ये लूप बनाया आपने, अब यहाँ से हम इसे ले लें, ये लिया ऐसे और अब हम इसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए ये पहला आपका लूप होगा इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे लिया आपने, इसमें डाला, ऐसे बनाया, दो में से एक निकाला, फिर दो में से एक निकाला, अगेन लिया, इसी में डाला, दो बार करेंगे इसी में सेम, क्योंकि ये कॉर्नर है आपका, दो में से लिया एंड अगेन दो में से लिया। अब आपने यहाँ पे जितनी चेन्स आपको दिख रही है उतनी चेन्स में यहाँ तक जाना है, इस कॉर्नर तक करना, डबल क्रोशेट ही है, ये चेन में लिया आपने ऐसे ये ऐसे, फिर डबल क्रोशेट दूसरे चेन में लिया ऐसे, फिर तीसरे में लिया डबल क्रोशेट ऐसे, डबल क्रोशेट का मतलब होता है आप ऐसे लपेटते हैं फिर चेन में डालते हैं फिर ऐसे निकालते हैं, एक बार आपने इसमें से निकाला एंड देन अगेन निकाला, दिस इज डबल क्रोशेट, ये निकाला। अब आपने लास्ट के कॉर्नर तक इसी तरीके से करते हुए इसमें फिलहाल जाना है, ये देखेंगे ये लिया ऐसे, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे इस तरीके से चार आया, ये है ये जो हमने चार किया था यहाँ पे ये, अब आपने क्या करना है, इसमें ऐसे डबल क्रोशेट लेके इसमें लेना है ऐसे, पहले तो बनाया एक, फिर अगेन इसी में डाला, फिर बनाया दो, अब हमें तीन चेन लेनी है, एक दो तीन, फिर इसी में से दो बार अगेन निकालना है ऐसे ये,
ये देख रहे हैं ऐसे आया, ऐसे आएगा। अब यहाँ तक वही लाइन करते हुए जाना है जैसे बताया मैंने, डबल क्रोशेट करना है और हर चेन में आपने इस तरीके से निकालना है। देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, भी आपने क्या किया, आप यहाँ से चले, यहाँ पे दो एक ही जगह पे बनाए थे, उसके बाद एक एक बनाते हुए चले, यहाँ पे आपने चार बनाए बीच में ऐसे गैप देकर, फिर आप एक एक करते हुए चले। अब यहाँ पे हमें इस वाले में दो बनाने हैं, एक दो, और फिर आपने वही तीन चेन डालनी है, एक दो तीन डाल ली। अब आपने ये वाला स्क्वायर लेना है और इस वाले स्क्वायर में से आपने ऐसे ये लेना है, ऐसे लिया आपने, फिर डाला, फिर निकाला और फिर आपने ऐसे लिया। ये देखिए अब क्या करना है, ये लिया फिलहाल आपने, अब इसी के पहले वाले में से, ये देख रहे हैं आप, ये पहला चेन देख रहे हैं आप, ये पहला चेन, ये पहले चेन में से आपने इसको ऐसे निकालना है, इसमें से इसे इस वाले फंदे को चेन को ऐसे निकालना है। ये देखिए फिर ऐसे लेना है, फिर इसके दूसरे चेन में डालना है, यहाँ पे आपने दो बनाने हैं, इसी में से ऐसे और ऐसे, फिर इसको छोड़ना है, फिर इसकी नेक्स्ट चेन लेनी है, ये देखेंगे ये लिया और इसको आपने इसमें से ऐसे निकाला, फिर ये लिया, फिर नेक्स्ट इसी में से निकालना है क्योंकि हमने यहाँ पे दो बनाने हैं, ये ऐसे, ये देखिए, और फिर इसको चेन को निकालिएगा, नेक्स्ट चेन में ऐसे डाल के ये, फिर ये लेना है, फिर इसके आपने नेक्स्ट चेन में से डालते हुए जाना है ऐसे। ये देखिए ये निकाला, ध्यान दीजिएगा कि जस्ट नेक्स्ट चेन ही लेनी है आपने, ये ऐसे, फिर ये लिया, फिर इसमें डाला ऐसे, ये फिर इसे निकाला, फिर नेक्स्ट चेन लिया आपने, फिर इसमें ऐसे डाला, ये देख रहे हैं, फिर ये लिया, फिर नेक्स्ट चेन लिया, ये देखिए, अब फिर से नेक्स्ट चेन ऐसे, इसे लिया, उस नेक्स्ट चेन में से ऐसे निकाला, ये लिया, इसका नेक्स्ट चेन लिया ऐसे। अब यहां तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है ऐसे। अब आप देखिए अब यहां तक पहुंच गए, अब क्या करना है, ये लिया चेन, आपने हमेशा एक एक ही लेनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये लिया ऐसे, अब इसके सेंटर में, इनके सेंटर में डालेंगे ऐसे, एक बार दो बार, फिर आपने निकाला, फिर आपने ये लिया, इसमें से निकाला, फिर इसी में डाला, एक बार दो बार, ये देखिए अगेन इसी में से डाला ऐसे, ये देख रहे हैं, फिर आपने दो चेने बनानी है और उसके बाद आपने इसमें से दो बार निकालना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो आपका जो ये है बिल्कुल सही चढ़ेगा। ये देखेंगे ये एक्चुअल में इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है, ये और ये इकट्ठे आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाना है, जैसे हम बना रहे थे डबल वाला,
ये देखेंगे डबल क्रोशेट, जैसे हम बना रहे थे डबल क्रोशेट वैसे ही आपने इसमें फिलहाल बनाते हुए जाना है इसमें। अब देखिए, अब हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे और उसके बाद दूसरा स्क्वायर लगाएंगे जैसे इसमें लगाया था, यानी कि जैसा हमने इसमें किया ऐसे गए फिर दूसरा स्क्वायर लगाया, अभी ऐसे गए, फिर ऐसे जाएंगे, अभी ऐसे जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तीसरा स्क्वायर लगाएंगे। तो अभी फिलहाल, और ये जो सेंटर का बताया है मैंने कि यहाँ चार जो हमने करने और बीच में तीन स्टिचेस का गैप रखना है, ये आपने इसी तरीके से रखना है इसमें। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए हम, इसमें से निकालना है ऐसे एक बार, दो बार, फिर तीन फंदों का गैप, एक दो तीन, तीन चेन का गैप, अगेन दो बार और निकालना है इसी में से, एक दो। अब यहां तक जाएंगे और यहां पे सिर्फ दो ही बार डालना है, उसके बाद थर्ड वाला जो है स्क्वायर लगाना है। यहां पे हम दो ही क्यों डाल रहे हैं ये अगले जब हम इसे लगाएंगे तब पता चलेगा आपको, फिलहाल यहां तक अब ऐसे ही करते हुए जाऊंगे। अब देखिए यहां पे आ गए, तो वही दो बार निकालेंगे, एक ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, अगेन दो, अब तीन चेन, एक दो तीन। देखिए आपने क्या करना है, जब तीन चेनें कर ली आपने इसका पोर्शन लेना है ऐसे, और इसमें डालेंगे डबल क्रोशेट ऐसे, ये पहले में से निकाला, फिर दूसरे में से निकाला, अब इसको निकाला, अब ये जो पहला आपको दिख रहा है चेन, ये इसमें डाल के इसे आपने ऐसे लेना है, ये दिख रहा है, ये ऐसे, एंड देन इसी में से डबल क्रोशेट, एक दो, फिर इसे निकालेंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट चेन है इसमें डालेंगे ऐसे, इसको निकालेंगे उसमें से, फिर आपने इसके फिर से ये चेन शुरू कर देनी है। ये देखिए ये डाला, ये ऐसे, ये लिया नेक्स्ट चेन, ये लिया, इसको डाला, ऐसे लिया, ये लिया नेक्स्ट चेन, ये देखिए ये लिया ऐसे, इसको लिया, इसको निकाला इसमें से आपने, ये लिया और नेक्स्ट चेन, ऐसे आपने अब यहां तक करते हुए जाना है। देखिए फिर से ये पूरा करते हुए यहां पे आई हूं, फिर से वही लेंगे ऐसे, ये लिया, अब इसके सेंटर में से एक बार, दो बार, फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये इसके सेंटर में से एक बार, दो बार, देख रहे हैं, फिर आपने दो चेने बनाई, सॉरी तीन चेने बनाई, ये लिया ऐसे और फिर ऐसे, ये देखिए दो बार और निकालना है आपने इसमें से, ये देखिए ये ऐसे जुड़ जाता है। अब फिर वही ये पूरा ऐसे लेंगे यहां तक, फिर ये लेंगे और फिर ये पूरा लेंगे यहां तक, यानी कि अभी मैं ऐसे करूंगी और जो यहाँ पे गैप छोड़ना है तीन स्टिचेस का वो छोड़ूंगी, फिर यहाँ आऊंगी, यहाँ तीन स्टिचेस का गैप है, फिर ऐसे करते हुए यहाँ पे देंगे आप गैप, यहाँ पे ये जो दो डाले थे यहाँ दो ही डालेंगे, फिर यहाँ भी दो डालेंगे, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ऐसे करके यहाँ तक पहुँच रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। अब देखिए आप करते हुए जब यहाँ तक आ गए तो आपने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ पे दो ही बनाए थे तो अब फिर आपने यहाँ पे दो बनाने हैं, एक और एक दो, ठीक है। अब क्या करना है आपने, फिर आपने ये लेना है और ये जो हमने यहाँ पे बीच में किया था तो ये आपका ऐसे रहेगा, ये देख रहे हैं, इसमें से डाल के आपने बनाना है ये, फिर यहाँ पे आपने दो बनाने हैं क्योंकि आपने यहाँ पे दो ही बनाए थे, ये एक दो, ये देखिए, देख रहे हैं,
ये आया। अब यहाँ तक आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम जो मैंने अभी यहाँ बताया करना है, यहाँ तक आपने इसी तरीके से सेम करते हुए जाना है। अब देखिए आप जब करते हुए पूरा यहाँ तक आए, अब फिर से आपने एक और यहाँ पे जोड़ना है, और जोड़ने का क्रम क्राइटेरिया वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो बनाए इस तरीके से, दो डाले इसमें, और इसके बाद आपने तीन चेन लेनी है, एक दो तीन, फिर आपने इसका हिस्सा लेना है ऐसे, ये लिया आपने ऐसे, ये ऐसे, फिर इसे निकाला, फिर ये लिया, इसे इसमें निकाला ऐसे, देन डाला, और फिर ये निकाला, फिर इसमें डाला ऐसे, ये, और इसका नेक्स्ट, ये देखिए सेम वही जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से आपने इसमें अब ये करते हुए जाना है। ये ऐसे जुड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको चीज बता दूं, ये तो मैंने तीन ही जोड़े हैं, आप यहाँ चार पांच छह सात जितने आपने जोड़ने होंगे आप पहले इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये तीन जोड़े, यानी कि आप ये देखेंगे पहले मैंने ये बनाया, फिर यहाँ गई, फिर इस वाले को जोड़ा तो यहाँ से आई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ गई, फिर इस वाले को लिया, फिर ये लिया, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, अब यहाँ पे आपने फिर से ये रख के ऐसे जोड़ना है। यानी कि ये वाली लाइन आप तब करेंगे जब आप जितने जोड़ने होंगे उतने जोड़ चुके होंगे, उतना बड़ा बना चुके होंगे, उसके बाद ये वाली लाइन आपने करनी है। यानी कि नेक्स्ट ऊपर का हिस्सा हम तब जोड़ेंगे जब हमारे को लगेगा कि हमने यहाँ पे जितने जोड़ने थे पाँच छः सात आठ हम वो जोड़ चुके हैं ऐसे, और उसके बाद फिर ये ऐसे पूरी लाइन बनेगी अगेन, फिर यहाँ से ये ऐसे शुरू होगा। अब देखेंगे ये ऐसे बनेगा यहाँ तक, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसे दूसरा जुड़ेगा, ये यहाँ आएगा इसके साथ जुड़ेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर आपका तीसरा आएगा वो ऐसे लगेगा, वापस यहाँ तक आया इसके साथ जुड़ा फिर वापस गया, फिर आपका चौथा आएगा फिर वापस आया इसके साथ जुड़ा ऐसे, ऐसे ही आप इसमें काफ़ी सारे जितने मर्जी है आप इसमें जो है इस तरीके से जोड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने ये तीन तीन करके वैसे तो जोड़े हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए ये जोड़े हैं मैंने तीन तीन करके, और अब इस तरीके से है। अभी मैं यहाँ पे पहुँची थी, अभी मुझे यहाँ एक और जोड़ना है, फिर अगेन मैं पूरा ऐसे लूँगी, क्योंकि जो भी आपने बनाना है, अपने टेबल मेट बनाना है, अपने बेडशीट बनानी है, उस हिसाब से आप इसमें स्क्वायर्स रख के उतने इंचेस के हिसाब से जोड़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो है पसंद आया होगा, तो चलिए फिर बनाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए नई चीज़ डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। और ये ग्रैनी स्क्वायर्स ऑलरेडी मैं चैनल पर बता चुकी हूँ, और भी आपको काफ़ी आगे बताते जाऊँगी। थैंक यू।